अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, मिड टर्म पेपर्स ऑफ स्प्रिंग 2024 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो उनके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं पेपर्स शेयर करने वाली हूँ CS 614 के, जो कि स्टूडेंट ने शेयर किया है, और एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ साथ आप MCQs प्रिपरेशन की गाइडलाइंस भी दे देती हूँ कि किस तरह से आप MCQs प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज 18 प्लस MCQs आप लोगों के मिड टर्म में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज। अब लेटेस्ट क्विजेज क्या है, सपोज करें क्विज वन एंड क्विज टू आपके मिड टर्म तक हो चुका है, हो सकता है जस्ट क्विज वन हुआ हो, तो आपने क्या करना है, अपने क्विजेज तो ऑलरेडी आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, माइंड में होगा कि कौन से टॉपिक से आया था। इसके साथ साथ और भी सेट्स आप देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट चैनल्स पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर, वहाँ से देख सकते हो। साथ साथ यूट्यूब पर और भी जो लास्ट टू इयर्स हैं, यानी फॉल एंड स्प्रिंग 22 एंड 23 के भी अवेलेबल होंगे, क्विज़ वन एंड क्विज़ टू, या जस्ट क्विज़ वन अगर हो चुका है तो आप लोग वो देख लें। ठीक है, पास्ट पेपर्स भी देख लें, अगर देख लेते हैं तो अच्छी बात है, कुछ आ जाता होता है वहाँ से, सारा आप लोगों की लक है, सारा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो है अपडेट होते रहते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स के तो ऐसे हैं कि आपको पता भी नहीं होता कि कंटेंट अपडेट हो चुके हैं। आज CS 614 का देख लेते हैं, मिड टर्म MCQs 8 to 9 फ्रॉम पास्ट, अदरवाइज फ्रॉम हैंडआउट्स। हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। सब्जेक्टिव शॉर्ट में इन ऑल ऐप टेस्ट इस तरह से इसकी एब्रिवेशन पूछी हुई थी, राइट द टू एक्टिविटीज़ यूज इन विजडम, राइट थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था, ए टेबल वॉज गिवन, आइडेंटिफाई द फेट्स डायमेंशन द प्राइमरी की फ्रॉम देम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी असाइनमेंट्स में भी पूछा जाता है। राइट द नेम ऑफ फोर टाइप्स ऑफ क्यूब ऑपरेशन, ए टेबल वॉज गिवन, आइडेंटिफाई द फ्रॉड डिटेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, डायरेक्ट मेल, डेटा बेस मार्केटिंग, क्रेडिट रिस्क प्रिडिक्शन, कस्टमर रिटेंशन मॉडलिंग, यील्ड मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फ्रॉम देम। ये बहुत सारी चीज़ें, यानी इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, देन ही आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। आई थिंक बस इतना सा ही पेपर था। हाँ जी, ये सेट नंबर वन है, और भी पेपर्स आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बेशक सेम सब्जेक्ट के भी आ जाएं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।